हेलो एवरीवन, आज का ये डाउट क्वेश्चन है, ये अलाउद्दीन मोहम्मद ने पूछा था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको बोर्ड मास का पता होना चाहिए कि बोर्ड मास है क्या। अगर आपने बोर्ड मास वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसे देख लेना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मास कहता है जो बी मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि ब्रैकेट, एक तो ब्रैकेट यहाँ पर है और एक ब्रैकेट यहाँ है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। और ब्रैकेट में भी तीन टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, एक तो होता है स्क्वायर, दूसरा होता है आपका कर्ली, और ये होता है आपका राउंड ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट भी कहते हैं इसे, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए कि 5 और 8 -3, ये दोनों माइनस में हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11। दोनों को ऐड किया, दोनों माइनस कहते हैं इसलिए 11 हो गए, और दोनों साइन भी माइनस का है। और अब क्या करेंगे, माइनस ये वो टर्म यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है इस टर्म में, देखो एक तो प्लस का और एक माइनस का, यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब प्लस है। अब ये प्लस है, ये माइनस का है, तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 में से 5 गया तो 6 बचता है, बट साइन किसका बड़ा है, माइनस वाले का, तो माइनस लगेगा, तो माइनस का 6 यहाँ आएगा। अब आते हैं हम दूसरे ब्रैकेट पे। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में को हम यहाँ देखते हैं, देखो -3 और -4 दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 12 आता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है आपका, प्लस क्या होता है। तो ये जो 12 है आपका वो प्लस का आएगा, साथ में 7 था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। 7 + 12 19 हुआ। अब क्या बस आता है, 2 19, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 38 आता है। तो आपको क्या मिला, 38। और यहाँ पर 2 और 6 है, तो जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। यहाँ भी माइनस था और एक बाहर का, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस। तो प्लस का साइन आया यहाँ पर, और यहाँ पे ये डिवाइड था ही, हमने इसे कुछ चेंज नहीं किया, बस हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था। अब आते हैं हम, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो अब देखो यहाँ 3 तो डिजिट है और 2 ऑपरेशन है। तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऑफ तो आपका है नहीं, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, डिवाइड को। तो सेकंड नंबर पे आपका डिवाइड आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 12 का 38 से डिवाइड करते हैं। आप 12 को बीच में लिखें, 38 को अंदर लिखें, ठीक है, तो डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और 38 है तो आप क्या करेंगे, 38 को आप मल्टीप्लाई करें, एक हाइट करके देखें, और 3 हो तो 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4, फिर आया आपका 8 24 और 2 6 और 11, तो 3 टाइम्स कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है। या आप क्या करेंगे, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से ये पॉइंट्स में आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी 0 लिखेंगे, 2 टाइम्स करने पर ज़्यादा आता है, तो इसलिए 31 तो आएगा ही, तो हमने इसे कैलकुलेट करके लिख दिया है। और अब तो सिंपल ही है, इसके सब पीछे इसको लगा देने, ऐड कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं आपको इसका आंसर सॉल्यूशन ब्रीफ में एक्सप्लेन से समझाऊंगा। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।